हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम आपके लिए एक नई सूचना देते हैं। आज हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, कई यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया और जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए थे जिन्होंने हमारे थ्रू पढ़ाई की और उनके जब हम रिजल्ट देख रहे हैं बड़े मज़ेदार रिजल्ट आ रहे हैं। और यहाँ से मैं बताऊँ, हमारी जो ताकत है, हमारी हिम्मत है और हमारे जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल और भी अच्छा होगा, क्योंकि जब आप लोगों को सफलता मिलती है तो बिल्कुल काम करने का जज्बा हम लोगों के भी अंदर आता है। तो मैं आपको बताऊं, आज का जो क्लास है, सारी क्लासेस आपने देखोगे, आज का जो क्लास है बहुत मस्त होगा। और आज हम इतनी एनर्जी से भरे हुए हैं, इतनी ऊर्जा है हमारे अंदर कि जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 इकाई अथवा उत्पादन लागत, बिना हाथ में किताब लिए ऐसे ही रटवा देंगे। और दो क्वेश्चन आपसे पुट अप करेंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने, बहुत सरल क्वेश्चन होंगे। अगर आप इनको देखते हो तो मैं देखूं कि आपकी कैचिंग पावर वास्तव में कितनी है। और वो जो क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में अक्सर बहुविकल्पीय में, एमसीक्यू में जो पूछे जाते रहे हैं और या आपके लिए कहीं ना कहीं नॉलेजेबल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और जो लोग जुड़े हुए हैं, कमेंट्स जो हमें जहां से प्राप्त हो रहे हैं, हमारा बहुत ही लकी नंबर है। और उस नंबर के थ्रू जो हमें अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स का कमेंट्स मिल रहा है, 9719881101, भैया ये हमारे ऑफिस का नंबर है जहां के थ्रू बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और इसी पर पूरा कन्वर्सेशन चलता रहता है। और बाकी मैं आपको बताऊं कि यूट्यूब पर तो ये स्टार्टिंग थी अभी तक, और अभी तक जो क्लासेस थे वो सही से रन नहीं हो पाए थे, अब सही से रन होंगे। तो यहां पर आज हमने चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट किया है। और हालांकि कल से ही अब मैं कल से लाइव स्टार्ट करूंगा, और कल से लाइव का टाइम, लाइव इससे पहले स्टार्ट हो गया होता लेकिन कई स्टूडेंट्स का टाइम ही सेट नहीं हो पा रहा। किसी का कहना 8 बजे, किसी का कहना 9 बजे, किसी का कहना है 5 बजे, किसी का कहना 6 बजे, लेकिन हमने फाइनली डिसीजन ले लिया है कि हम अब 6 PM पर डेली आपको लाइव में मिला करेंगे, ठीक है। और अगर बच्चों को ज्यादा दिक्कत होगी 6 PM पे तो 8 PM कर देंगे। इसके लिए आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि कितने बजे हम लाइव क्लास स्टार्ट करें, ओके। और ये जो लाइव क्लासेस होंगी दो तरह की होंगी, एक प्राइवेट लाइव क्लासेस होंगी जिन्होंने सिर्फ हमारा कोर्स ज्वाइन किया उनके लिए मिलेंगी, और बाकी पब्लिक वाली तो सभी को मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। देखो क्या है इकाई अथवा उत्पादन लागत, पहले हम बात करते हैं इकाई की, क्या होती है इकाई, क्या होता है यूनिट। यार बिल्कुल रट जाएगा, यूनिट का मतलब सीधा ये होता है कि जब हम मार्केट जाते हैं और हम चीनी परचेज करते हैं, शुगर परचेज करते हैं, तो उससे भाई हम किलो में क्यों मांगते हैं। अगर हम बनाना परचेज करते हैं तो उससे हम डजन में क्यों मांगते हैं, हम उससे दर्जन में क्यों मांगते हैं। अगर हमको कुछ, मान लीजिएगा कि कपड़ा परचेज करना होता है तो कपड़े को हम मीटर में क्यों मांगते हैं। ये सब चीजें आप समझ रहे हो ना क्या है, ये इन सब चीजों के माप का एक स्केल है जिसको हम क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। अब देखो जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सब कहां हो रहा है, आप जानते हो फैक्ट्रीज में हो रहा है, ना मेरा घर हो रहा है ना तुम्हारे घर हो रहा है। जितना प्रोडक्शन जिस स्थान पर हो रहा है उसको हम फैक्ट्री कहते हैं, जिसको उत्पादन का कारखाना है, कारखाने के नाम से भी वो जाना जाता है। अब वो जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं यार, तो वो सेल भी तो करेंगे, तो सेल करने के लिए उनको क्या है कि एक मानक बनाना पड़ेगा, एक लिमिट सेट करनी होगी, और उस लिमिट को किस मात्रा में सेट करें वही हमारी क्या कहलाती है, इकाई कहलाती है। जैसे अगर हम ये पेन परचेज करने जाते हैं तो हम कहते हैं भैया या तो एक पेन दे दो, दो दे दो, या एक दर्जन दे दो सीधे। हम कभी नहीं उससे कहते हैं कि भाई आधा किलो पेन दे दो, या 100 ग्राम पेन दे दो, या 200 ग्राम पेन दे दो, क्योंकि इस पेन की इकाई क्या है, या तो एक या दर्जन, ठीक है, या तो डजन में परचेज करेंगे या एक में परचेज करेंगे। जैसे हमको गैस परचेज करनी होती तो हम लोग सिलेंडर का यूज करते हैं, भाई प्रति सिलेंडर कितना है। अगर हमको ब्रिक्स परचेज करनी होती है तो प्रति हजार में हम जाते हैं, मकान बनवाते हैं, आपने भी बनवाया होगा और आगे आएगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आएगा, बहुत इजीली मैं समझाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ईंटें परचेज करोगे तुम तो क्या वो किलो में परचेज करोगे, क्विंटल में परचेज करोगे, टन में परचेज करोगे, वो आपको प्रति हजार में परचेज करनी है। किसी भी होटल में जाते हो वहां पर क्या करते हो यार, वहां पर भी तो आपको कोई ना कोई पेमेंट करना होता है, तो किसके हिसाब से पेमेंट करते हो, या तो प्रति भोजन थाल के हिसाब से पेमेंट करते हो, या फिर 24 आवर्स के लिए आप रुकते हो, ठहरते हो किसी होटल में, तो रूम का प्लस डिनर का प्लस ब्रेकफास्ट का सबका उसमें इकट्ठा पेमेंट होता है, उनका अपना पैकेज होता है, तो जो पैकेज बना हुआ है वही क्या है, इकाई है। तो इस चैप्टर में सबसे बड़ी बात होती है कि इकाई है तो इकाई है क्या,
तो भैया अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है, इकाई कुछ और चीज नहीं है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको छोटी सी छोटी कौन सी मात्रा में बेचा जाए, उस छोटी सी छोटी मात्रा को ही हम इकाई कहते हैं। तो इकाई क्या है, यही अंग्रेजी में यूनिट कहला रहा है। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं मेरे के लिए मान लीजिएगा कि कुछ ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक लेनी है, तो क्या होता है, प्रति पैक मांगेगा वो, और वो पैक हो सकता है कितना, हो सकता है भाई 200 ml का हो सकता है, 500 ml का हो सकता है, 1 liter का हो सकता है, 2 liter का हो सकता है। तो ये सब लीटर 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 या ml क्यों चल रहा है, मिलीलीटर क्यों चल रहा है, वहां पर किलो क्यों नहीं चल रहा है, वो इसीलिए नहीं चल रहा है कि उसको किलो में नहीं मापा जाता है। ओके, तो क्या है कि सुविधा की दृष्टि से नहीं मापा जाता है, कोई बैन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई भी व्यक्ति कैसे भी नाप करके और आपको दे सकता है, लेकिन सबकी सुविधा की दृष्टि से जिस यूनिट में मापा जाता है वो सिर्फ सिर्फ मकसद ये है कि सभी की समझ में आ जाए, और समझ में आने के साथ साथ में उसका सही से पेमेंट हो जाए। जैसे मैंने गैस सिलेंडर का एग्जाम्पल लिया, प्रति सिलेंडर के हिसाब से चलता है। केले अगर परचेज करने, प्रति दर्जन के हिसाब से। सेब परचेज करते हो, प्रति किलो के हिसाब से। आम परचेज करते हो, प्रति किलो के हिसाब से। वहीं पर ब्रिक्स परचेज करते हो, प्रति 1000 ब्रिक्स के हिसाब से। अगर पानी की हम बात करते हैं तो प्रति 1000 liter के बेस पे उसका पेमेंट जाता है। अगर विद्युत की हम बात करते हैं तो प्रति किलोवाट घंटा के हिसाब से आपका पेमेंट जाता है। अगर हम कोयले की बात करेंगे, प्रति टन के हिसाब से उसका पेमेंट जाता है। सीमेंट की अगर हम बात करेंगे, प्रति बोरी के हिसाब से पेमेंट जाता है। अगर हम साबुन की बात करेंगे तो या तो प्रति पैक यानी एक साबुन का पेमेंट देना, या पूरे पैक में 3 साबुन हो, 4 साबुन हो, या प्रति दर्जन के हिसाब से हमें देना होता है। और वहीं पर अगर हमको कुछ ऐसा हो कि जो बड़ी पैकिंग हो, तो उसमें क्या होता है, प्रति बोरी या प्रति पैक के हिसाब से उनका पेमेंट करना होता है। यही सब चीज़ें एक यूनिट कहलाती हैं। अब हमारा यूनिट ही हिंदी में क्या है, इकाई है। 100% बच्चों क्लियर हो गया नहीं हो गया, जरा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अगर क्लियर हो गया तो हमको और खुशी मिलेगी। जैसे कल को अगर कोई भी प्रोडक्शन आप करते हो तो आपको क्या होगा, उसकी मात्रा निर्धारित करनी होगी कि हम न्यूनतम कितनी मात्रा में उसको सेल आउट कर पाएंगे। तो उसके लिए जो न्यूनतम मात्रा निर्धारित करेंगे वही हमारी क्या होती है, इकाई। अब भैया उत्पादन लागत क्या होती है, अरे एक यूनिट को बनाने में अब तुम सोचोगे क्या, कल्पना करो क्या होगा एक यूनिट को बनाने में। अब तुम सोचोगे आने वाले खर्चे को हम उत्पादन लागत कहते हैं, यही कहोगे ना, जी नहीं, आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, आप संजीव सर के साथ जुड़े हुए हो। एक यूनिट को बनाने में क्या आने वाला, क्या बताओ, अब तुम ही से पूछना चाहते हैं बहुत बेहतर रहेगा। सामग्री, श्रम तथा व्यय का योग, बेटा तीन चीजों का ही योग क्या कहलाता है, उत्पादन लागत। अब तुम सोचोगे इसको तो हम वैसे भी कह सकते थे कि एक यूनिट जितने में बन रहा है उसी को हम कहते हैं उत्पादन लागत। जी नहीं, जब हम यूनिट बना रहे हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने 3 तत्वों का प्रयोग किया है। ऐसे ही थोड़ी ना एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं भाई, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे, कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाओगे, कुछ अलग से प्रेजेंट करोगे तभी कुछ मिलेगा। सच में लागत क्या है, किसी वस्तु को खरीद कर गोदाम तक रखने में होने वाला व्यय उस वस्तु की लागत होती है, या उस वस्तु को जब बना रहे हैं तो सामग्री, श्रम तथा व्यय, इन तीनों चीजों का योग उस वस्तु का लागत कहलाता है। तो ऐसे करके याद करिए कि सामग्री, श्रम तथा व्यय का योग क्या होता है, हमारा उत्पादन लागत होता है। यही हम पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में एक भी अक्षर नहीं होगा जो हमको समझ में ना आए, बस शर्ते तीन चीजें बेस हैं जो हमारा कॉस्ट का जो एलिमेंट्स हैं, कॉस्ट के तत्व हैं, वही तीन चीज़ों से बने हुए हैं, सामग्री से, श्रम से तथा व्यय से। ये सब दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं बताओगे भाई, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट किसे कहते हैं और डायरेक्ट किसे कहते हैं, जब कोई भी वस्तु हम बना रहे होते हैं और सारा का सारा सब कुछ उसमें वो ही चीज़ दिख रहा हो जो लगा हुआ है, वो सब हमारा डायरेक्ट कहलाएगा। और वो चीज़ें जिनकी कल्पना करो कि हाँ भाई ये हो सकती हैं,
हुई होंगी वो सब हमारा इनडायरेक्ट कहलाएगा। जैसे मैं जो शर्ट पहना हूँ, जितना इसमें कपड़ा दिख रहा है वो सब डायरेक्ट है, और जो दर्जी ने काट काट के नीचे गिरा दिया, कैंची चलाई हमारे पैसों पे, लेकिन वो सब हमारा इसी का पार्ट था जो इनडायरेक्ट कहला रहा है। उसके साथ साथ में दर्जी ने मशीन सिली तो उसमें कुछ ऑयल डाला होगा, तेल डाला होगा, मशीन की साफ सफाई की होगी, वो खर्चे सब कौन से होंगे, इनडायरेक्ट में होंगे। लेकिन इसमें जो बटन लगे हुए हैं, धागा लगा हुआ है दर्जी का, वो सब कौन सा है, डायरेक्ट है। तो आज के बाद ये बिल्कुल भूल जाना कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर क्या है। डायरेक्ट वो है जो हमें सीधा दिख रहा है, और इनडायरेक्ट क्या है, वो जिसकी कल्पना तो की जाए लेकिन एग्जैक्ट अनुमान ना लगाया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कहते हैं। और ये जो चैप्टर है इससे एक न्यूमेरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग में पेपर में जरूर आता है, और इसको किस तरह से सॉल्व करोगे इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन अगले वीडियो में जरूर दिखाएंगे। अब यहां पर हम कुछ और भी पढ़ेंगे। क्या और पढ़ेंगे भाई, देखो दो बातें क्लियर हो गई बेटा, इकाई और उत्पादन लागत। इकाई किसे कहते हैं, जब कोई भी प्रोडक्शन चल रहा है उसको किस यूनिट में मापेंगे, वो इकाई है। और उत्पादन लागत, जो उस इकाई को बनाने में कितनी सामग्री लगी, कितना श्रम लगा और कितना व्यय लगा। चैनल को लाइक कतई मत करो, सब्सक्राइब कतई मत करो, मगर अपने कल्याण के लिए देख जरूर लो। ओके, अच्छा यहीं पर हम एक क्वेश्चन पुटअप कर ले, और क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, क्या पुटअप करें तुमसे, लागत के तत्व कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन अभी हमने जो पढ़ाया उसी से आपको बताना है, लागत के तत्व कौन कौन से हैं। ओके, अब आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है, और इसका आंसर देते ही समझ लो कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए रट गया, पूरा चैप्टर है बेटा लागत के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। ओके, जरूर बताइएगा, और वो भी बिना सर्च किए हुए। अब हम अगला, अब उत्पादन लागत को, जो उत्पादन लागत ज्ञात करने की प्रमुख विधियां, देखो उत्पादन लागत ज्ञात करने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। अरे भाई कौन कौन से मेथड से हम कॉस्ट, ये उत्पादन लागत को ज्ञात कर सकते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट को ज्ञात कर सकते हैं, पहली दूसरी और तीसरी, तीन चीज़ों के द्वारा ही हमको ज्ञात करना है। और वो तीन चीज़ें हमारी कौन सी हैं उनके लिए भी हम बताते हैं। देखो पहले नंबर पे बनता है भाई लागत विवरण, लागत विवरण जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ध्यान देंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। इसको हम अगर देखें तो लागत का विवरण, लागत विवरण हमने जरूर लिख दिया, लेकिन लागत का विवरण या लागत विवरण, कुछ राइटर ने लागत का विवरण लिखा है, कुछ ने लागत विवरण लिखा है, बात एक ही है। अब ये हो गया लागत विवरण। दूसरे नंबर पे होता है लागत पत्र, ठीक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्ट शीट। ये कॉस्ट की शीट होती है, शीट का मतलब समझ रहे, कोई गत्ते की शीट नहीं, कोई कागज की शीट नहीं, बल्कि कागज पे बना हुआ एक विवरण। अभी हम बताएंगे ये कैसे पहचानोगे, लागत विवरण है, लागत पत्र है। और तीसरे नंबर पे उत्पादन खाता, उत्पादन खाता इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन अकाउंट। ये आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा, इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में इससे न्यूमेरिकल अब नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो उत्पादन खाता है वो टेंथ में ही आपने देखा होगा, जो अंतिम खाते होते हैं, फाइनल अकाउंट होते हैं, वहीं पर सीखने की बात रह गई। लेकिन प्रमुख विधियों में थ्योरी इसकी लिखनी पड़ेगी, और जो हमारे नोट्स आपके पास तक पहुँचेंगे इस नंबर के माध्यम से, उसमें उत्पादन खाता के बारे में विस्तार से होगा। लेकिन यहाँ दो चीज़ें हैं जो न्यूमेरिकल दर्शाती है, और लागत विवरण क्या है और लागत पत्र क्या है। पहले हम बात करते हैं लागत विवरण की, क्या होता है लागत विवरण। एक ऐसा विवरण पत्र, एक ऐसा प्रलेख जो एक विशेष फर्म पे तैयार होता है, और किसी भी वस्तु को बनाने में सामग्री
श्रम व्यय तीनों के साथ में होने वाले समस्त उपर व्ययों को जिसमें क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है उसे हम लागत विवरण कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो लागत विवरण क्या है? वह विवरण है जिसमें किसी वस्तु को बनाने से संबंधित समस्त खर्चों को लिखा जाता है, ऐसे विवरण को लागत विवरण कहते हैं। और इसको घुमाइए, यानी एक ऐसा विवरण जो किसी वस्तु के निर्माण से संबंधित समस्त मदों को, समस्त खर्चों को बिंदुवार दिखाता हो, इसे हम क्या कहते हैं? लागत विवरण कहते हैं। कॉस्ट शीट क्या होती है? लागत पत्र क्या होता है? लागत पत्र भी कुछ नहीं है, वही चीज है लागत पत्र, लेकिन अंतर क्या है दोनों में? लागत पत्र में हर मोड़ पर, हर मद के साथ में प्रति यूनिट खर्चा दर्शाया जाता है। ऐसे समझ में नहीं आएगा भैया, ऐसे समझ में तुम्हारे आवेगो कैसे, यहां समझो ठीक। देखो ये है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। इसमें क्या होता है? पार्टिकुलर्स, और इसमें लिखेंगे अमाउंट। एग्जाम्पल के थ्रू कितना मटेरियल लगा यहां लिख देंगे, कितने लेबर लगे यहां लिख देंगे, कितने फैक्ट्री के खर्चे हुए। लेकिन ये दूसरे तरीके से लिखे जाते हैं, ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूं, यहां लिख देंगे ऑफिस के कितने खर्चे आए यहां के लिख देंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कितने आए यहां लिख देंगे, सबका टोटल कर लेंगे, ये हमारी बनेगी टोटल कॉस्ट, ऐसे टोटल कॉस्ट निकलती है। जब इसमें प्रॉफिट को जोड़ देंगे तुरंत आ जाएगा सेल्स प्राइस, ओके। तो ये होता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। लेकिन लागत पत्र क्या होता है? अरे रट गया आपका, याद हो गया आपको, घबराने की जरूरत नहीं, देखो कैसे याद हुआ। इसमें कुछ नहीं बदलना है, सेम जब ये वाला बनाना आ जाए बेटा, एक कॉलम और बड़ा लेना है इस तरह से, ओके। यहां पर प्राइस पीयू, पीयू को मतलब पर यूनिट, जैसे यहां लिखेंगे आप कॉस्ट शीट ऑफ 1000 यूनिट बना रहे हो तो 1000 यूनिट की आगे लिख दिया जाएगा। अब यहां पर क्या होता है? कितना मटेरियल लगा इतने का, मान लीजिएगा कि यहां पर मटेरियल लगा 10000 का, यूनिट कितने बन रहे हैं? 1000, तो बेटा 10000 का लगा 1000 यूनिट पे, तो एक यूनिट पे कितना आया? 10 रुपए। तो यहां पर ये 10 रुपए आया, ये 2 रुपए आया, ये 3 रुपए आया, ये 1 रुपए 20 पैसे आया, ये 80 पैसे आया, बाद में क्या किया इसका भी टोटल हो गया। तो लागत पत्र में, लागत पत्र में, कॉस्ट शीट में और लागत विवरण में सिर्फ इतना अंतर है। लागत विवरण में तो सिर्फ विवरण था, और कॉस्ट शीट में, लागत पत्र में बेटा प्रति यूनिट भी खर्चा अलग से दर्शाया जाता है। अब जिस बच्चे के लिए लागत विवरण बनाना आ गया तो 100% वो कॉस्ट शीट भी बना लेगा। लागत विवरण और कॉस्ट शीट में थोड़ा सा अंतर बस यही है कि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती, कौन सी वाली? प्रति यूनिट वाली, ये इस तरह से। तो कैसा लगा ये क्लास? उम्मीद है अच्छा लगा होगा, तो अधिकांश लोग जुड़ जाइएगा। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपको बताना है, और क्वेश्चन कौन सा है? उत्पादन लागत ज्ञात करने की कितनी विधियां हमने बताई हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। पहला क्वेश्चन था कि लागत के तत्व कौन कौन से हैं, दो क्वेश्चनों के आंसर हमें आपसे जरूर चाहिए। अगर दोनों के सही आते हैं इसका मतलब है कि वीडियो को आपने थोड़ा सा ध्यान से जरूर देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।